खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की मस्जिद में शुक्रवार को गोलीबारी के बाद न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच 16 मार्च से शुरू होने वाला तीसरा टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। बता दें कि न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की एक मस्जिद में शुक्रवार को दोपहर की नमाज के दौरान एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की हताहत होने की आशंका है। स्थानीय मीडिया बता रही है कि 6 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं है। इस घटना के दौरान वहां बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मौजूद थे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने ट्वीट कर कहा, गोलीबारी में पूरी टीम बाल बाल बच गई है, बेहद डरावना अनुभव था। वहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया कि बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर में इस हमले से प्रभावित हुए परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की। आपको बता दें कि इस हमले में दोनों ही टीम के खिलाड़ी और स्टाफ सुरक्षित हैं। न्यूजीलैंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है इस हमले के कारण।